हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग देखिए CHSL का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि जब 40 से 50 क्वेश्चन मैं देखता हूँ SSC में आए हुए, तब जाके मैं उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छे हैं, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ जिससे आप कुछ भी सीखने को ना मिले, मैं और भी सिंपल क्वेश्चन करवा सकता हूँ, नंबर भी मैं बढ़ा सकता हूँ, 10 से 20 करवा दूंगा मैं क्वेश्चन, पर उन 10 क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैं केवल उन 10 क्वेश्चंस को लेता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो इसको शेयर करिए और अगर आपको अच्छे लगे वीडियोज़ तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक वैल्यू दी गई है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको करने का देखिए जो सबसे पहला तरीका माइंड में आता है कि आपको कभी भी रूट ऊपर नीचे दिया होता है तो आप लोग क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी दिया है तो आप लोग क्या कर, सबसे पहले दिमाग में जो आपके आता है या पेपर में भी आप लोग क्या करोगे कि आप क्या करोगे, रूट ए प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं लगना है, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो आपका सवाल नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपको दूसरी चीज़ क्या माइंड में आनी चाहिए, जब भी आपके इस तरीके से वैल्यू दी हो तो दूसरी चीज़ आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। जैसे हिंदी में शायद युगांतरानुपात बोलते हैं। तो इसको जब आप इस पूरी वैल्यू को x के बराबर मान लोगे, ठीक है, तो x के बराबर उसको मान लो, तो यहाँ पर दोबारा नहीं लिख रहा हूँ तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि इस संख्या को मैंने x के बराबर मान लीजिए मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि x के नीचे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x के नीचे 1 मैं मान सकता हूँ, 1 तो कहीं पर भी है, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो उसका क्या नियम होता है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ दिया जाए और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा दिया जाए, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी करोगे तो जब इसको ऊपर जोड़ोगे तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2√0.6912, ठीक है। और नीचे क्या होगा, जब ऊपर वाली संख्या से नीचे की संख्या घटाई जाएगी तो 6912 वाली तो घट जाएगी तो क्या बचेगा, 2√, ये बचेगा 0.5292, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रूट हट के पूरा रूट इसके अंदर आ जाएगा। आपको पता है कि जब रूट ए अपॉन रूट बी होता है, रूट ए अपॉन रूट बी होता है, तो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, एक पूरे रूट के अंदर आप लिख सकते हो ए अपॉन बी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी लगेगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको 8 से काट दो, पहले काट के देखे तो आएगा 68 64, उसके बाद क्या बचेगा, 5 8 6 48 8 4 32। अब फिर इसको काटो तो इसको काटेंगे तो 8 6 48 4 और 8 6 48, तो ये 8 से नहीं कट रहा है, 4 8 6 48, ठीक है। तो आपको 4 से काटना पड़ेगा तो आप इसको 4 से काटो, ठीक है। मैंने सोचा 8 से काट देंगे जल्दी सिंपल हो जाएगा, बट 8 से नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए, या 8 का वो होता मैंने ध्यान नहीं दिया। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, तो 2 बचेगा और ये 4 7 28 4 2 8 4 8 32 17 28, नीचे क्या आ रहा, देखिए 4 एकम 4 4 12 4 2 8 4 12, ठीक है। उसके बाद ये देखिए किससे कटता हुआ दिख रहा है आपको, 3 से 7 8 10 18, 3 1 4 2 6 3 9, ठीक है, 3 से कट रहा दिख रहा है, तो 3 5 15, 2 3 7 21 53 18। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 6 12 3 6 12, 3 1 3, तो 576 किसका होता है, और इधर तो वही लिखा हुआ है जो था, x+1 / x-1, ठीक है। अब देखिए 576 किसका होता है, 24 का होता है, क्योंकि 25 का 625 होता है, तो ये तो 24 हो गया। 441 किसका होता है, 21 का, ठीक है। तो ये कट रहा है 3 8 24, ये 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x+7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x-8, 8x-8, तो x=15, ठीक है। तो x हम लोगों ने क्या मान रखा था, ये पूरी वैल्यू हम लोगों ने x मान रखी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15, और 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, जब भी अगली बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो हमेशा आपको x की वैल्यू मान लेनी है, उसके बाद युगांतरानुपात और इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी कोई इक्वेशन ax² + bx + c टाइप की होती है तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, एक तो स्क्वायर रूट बना के भी हो जाता है, स्क्वायर का एक तरीके से बना के भी हो जाता है ये सवाल, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 4ac - b², तो जब भी इस टाइप की कोई इक्वेशन होती है तो उसकी लीस्ट वैल्यू जो होती है वो 4ac - b² / 4a होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ सकते हो, और आप कैसे लगाओगे इसको, तो देखिए यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहे हैं, एक तो x में है और एक y में है, तो इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी, ठीक है,
क्योंकि वाई माइनस थ्री बटा होल स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे क्यों जीरो होनी चाहिए, तो इसको ओपन करके अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस नाइन और माइनस का सिक्स वाई। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, ए की वैल्यू एक मिल रही है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स और सी की वैल्यू नाइन मिल रही है। मैंने आपको अभी क्या बताया, फोर ए सी, अच्छे से समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसमें लगाते हो तो फोर ए सी करने पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए छत्तीस मिल रहा है, और माइनस का बी स्क्वायर करोगे तब भी छत्तीस मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जीरो ऊपर हो गया, इसका मतलब जीरो आएगा। तो देखिए दोनों तरीके से जीरो आएगा, आपको बस थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कम नॉलेज है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बिंदास आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये तो जीरो हो गया, बाकी दोनों टर्म को सॉल्व करना, क्योंकि डायरेक्टली जीरो नहीं बोल सकते, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फोर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस का फोर एक्स माइनस का टू, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस का सिक्स एक्स। ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर में टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद देखिए ये चार चौको सोलह बन रहा है, और ये कितना बन रहा है, दो नवैया अठारह माइनस का, उसके बाद ये माइनस का सिक्सटीन एक्स बन रहा है, और ये प्लस का बारह एक्स बन रहा है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई कि टू एक्स स्क्वायर और माइनस का फोर एक्स और माइनस का टू। अगर मैं दो को कॉमन ले लूँ तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का वन। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर करके भी बन सकता है, बट मैं हमेशा तरीके से इस फॉर्मूले को फॉलो करता हूँ तो मैं उसी से समझाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग फोर ए सी, अब इसको कंपेयर करिए, देखिए बार बार लिखना नहीं है चीज़ों को, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू यहाँ से वन आ रही है, इस दो को तो बाहर रखेंगे, ठीक है इससे कोई मतलब नहीं है। ए की वैल्यू वन आ रही है, बी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो माइनस का टू आ रही है, और सी की वैल्यू माइनस का वन आ रही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दो को मैं बाहर रख लेता हूँ, फोर ए सी, फोर ए सी मतलब माइनस का फोर आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर तो माइनस का चार आ जाएगा, अपॉन फोर ए तो वो चार आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो से दो चला जाएगा, माइनस का एट ऊपर आएगा, दो का डिवाइड करोगे तो माइनस का चार इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये सीपीयू का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसको लिया जाए। सारे क्वेश्चन मैं अच्छे लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का जो मेरा स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस लूँगा जो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम हूँ, मुझे अगर इंग्लिश समझ में आती है, मैंने इतना अपने आप को कैपेबल बनाया, तो आप भी अपने आप को बनाइए। ठीक है, अब पर्सन क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बच्चों के तरीके हिंदी हिंदी या इंग्लिश इंग्लिश कभी भी अच्छा नहीं होता, आपको एक तरीके से बाइलिंगुअल होना चाहिए। अ पर्सन टेक्स 40 मिनट्स मोर देन इज यूजुअल टाइम, तो वो कह रहा है कि 40 मिनट ज़्यादा लेता है किससे, जब ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो ये कह रहा है कि एक बंदा है टेक्स 40 मिनट्स मोर देन इज यूजुअल टाइम, तो अपने यूजुअल टाइम से वो 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, मतलब अगर उसका यूजुअल टाइम यहाँ पर लिखना है तो जो आने वाला है, जो आपको कंडीशन दी है, ये 40 मिनट ज़्यादा ले रही है। इसका मतलब है कि अगर 20 बटे आप 5 करते हो तो आपको पता है क्या मिलता है, 4 आवर, 4 घंटे मिलते हैं, ये 40 मिनट ज़्यादा है कह रहा है। इसका मतलब है कि सही टाइम क्या होना चाहिए, इससे 40 मिनट कम होना चाहिए, इसका मतलब है 3 घंटे 20 मिनट जो है वो सही टाइम है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि ही कवर्स द सेम डिस्टेंस एट 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो सेम डिस्टेंस 20 थी उसको अगर वो 8 से करता है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो ये जो आया है 2 घंटे 30 मिनट, वो कह रहा है कि x मिनट लेस देन द यूजुअल टाइम, तो ये x मिनट कम है, x मिनट कम है यूजुअल टाइम से। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए कभी कभी होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है कि हम लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो हिंदी में यही एक आसान चीज़ होती है, जैसे मुझे भी कभी हो सकता है कि इससे और अच्छी लैंग्वेज हो तो मुझे कम समझ में आए, तो कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर वो 20 किलोमीटर को 5 की रफ्तार से चलता है तो जो वो समय लेता है वो यूजुअल टाइम से, मतलब जो सही समय है उससे 40 मिनट अधिक है, मतलब ये जो समय है ये 40 मिनट अधिक है। तो सही समय क्या होगा, 4 घंटे से 40 मिनट कम, तो 3 घंटे 20 मिनट सही समय होगा। अब वो क्या कह रहा है कि इसी डिस्टेंस को अगर वो 8 से चलता है तो सही समय से वो एक्स समय कम ले रहा है, तो कितना डिफरेंस, देखिए 50 मिनट का डिफरेंस है, कितने का है,
50 मिनट का डिफरेंस और 50 मिनट क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, आपको अच्छे से समझने हैं बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई दिस, ठीक है। तो क्या है, आपको यहाँ पर नॉर्मल एलसीएम निकालना है और उसके बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है, ठीक है। तो एक्स की वही वैल्यू होगी जो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। तो देखिए इसका सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है 16। तो ये देखिए आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि पेपर में आप इसको कितने फास्ट लिखते। देखिए मैं फिंगर से लिखता हूँ अपने टैब पर, तो थोड़ा सा लिखने में धीमे धीमे लिखना होता है, नहीं तो फिर क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो जब पेन से मैं लिखूंगा तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट किया करूंगा। तो ये देखिए 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये 45 हो जाएगा। फिर 2 से तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15, तो यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा। फिर 2 से कर सकते हो आप तो 2, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 15, फिर 9, फिर 45। अब देखिए मैं 2 लिख रहा हूँ बट इस 2 से ये 2 चला जाएगा, फिर 3 लिखिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 15, 3 * 9 = 15। अब फिर 3 लिखोगे तो यहाँ पर देखिए 5 तो रह गई, 3 * 1 = 3, 3। तो वही है, आप जब कैलकुलेशन अच्छा कर लेते हो तो कुछ स्टेप आप गायब कर सकते हो, ठीक है। जैसे हर चीज़ नहीं लिखनी जरूरी है, जैसे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, या यहाँ पे भी आप कुछ स्टेप्स गायब कर सकते हो। अब देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एलसीएम आता हुआ तो 2 * 4 * 8 * 16 48 * 45 * 240 और 720 आपको 720 दिख रहा है। और अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ पर केवल एक 5 की कमी आपको दिख रही, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ ही साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि देखिए 720 तो एलसीएम आपका आ चुका है। अब 720 में चाहे मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं, 2 का करूं, 3 का करूं, तो उसने बोला है कि ऐसे लीस्ट नंबर का एक तरीके से मल्टीप्लाई आप करिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो लीस्ट नंबर का एक्स का हो गया, 5 का मल्टीप्लाई किया तो एक्स हमारा क्या बन गया, एक तरीके से 3600 बन गया। 3600 क्या है, एलसीएम आ जाएगा सही, ठीक है। जिससे आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 720 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तब वो 36 कितना बनेगा, 720 3600 बनेगा। तो 3600 आपका परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, 123 से डिवाइड करना है इसको। 2 बार जाएगा, 2 * 3 = 6, 2 * 2 = 4 = 1, 10 * 6 = 4, 5 * 4 = 1, 1 = 1140, 9 बार जाए क्योंकि देखिए 1230 10 बार, तो 9 बार जाने की उम्मीद है। 9 * 3 = 27, 2 * 9 = 18, 2 = 20, 2 * 9 = 9 = 11, तो ये 33 रिमाइंडर कितना बच रहा है, 33। वही आपसे पूछा गया था कि इसका रिमाइंडर क्या है, तो 33 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको पहले एलसीएम निकालना है, फिर अगर वो जो कंडीशन बोल रहा है कि 1 बच रहा है तो आपको 1 ऐड करना है। कभी कभी बोलता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या परफेक्ट क्यूब बन रहा है, तो उसमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जिससे वो क्यूब बन जाए। तो जब वो बन जाए तो वो संख्या ले लो, फिर जो आपसे आगे बोले वो कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ टाउन 70,000, मतलब 70,000 लोग हैं आदमी और औरत दोनों को मिलाकर, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर किसी शहर में 70,000 लोग हैं। नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज्ड बाई 6% एंड दैट ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाई 4%। तो मैंने लिख लिया 6, यहाँ पर 4। उसके बाद क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन टाउन, एलिगेशन मैथड कैसे लगता है, कितने लोग बढ़ रहे हैं, 3520 लोग बढ़ रहे हैं, कितने लोग बढ़ रहे हैं, 3520 लोग बढ़ रहे हैं, कितने से 70,000 से, तो उसके 2 जीरो गायब कर दो, / 700, ठीक है भाई। 3520 70,000 का कितना परसेंट है, तो इस तरीके से निकालते हो ना, तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 352 और अपॉन 70, ठीक है। इस 70 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूँ और यहाँ कर दूँ तो ये 70 यहाँ से हट जाएगा, तो 70 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 280 आ जाएगा। यही एलिगेशन मेथड है, यही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पकड़ दो तो 420 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 420 यहाँ पे, 280 और यहाँ पे 352, इस तरीके से करते हैं, घटाते हैं तो घटाओगे तो 48 * 58 यहाँ पे 68 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए आपको 20 * 52 = 72, ठीक है। 4 से काट सकते हो इसको, तो ये रेशियो एक तरीके का, 4 से काटोगे तो 4 * 1 = 4 = 32, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो 18:17 में मेल और फीमेल की जो जनसंख्या होगी वो इस रेशियो में होगी। टोटल आपको 70,000 दे रखा है, तो अगर 18 * 17 को मैं ऐड करूँ तो 35 आएगा। इसका मतलब है कि आपको 35 की वैल्यू दे रखी है 70,000, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रखा है कि
वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो देखिए क्या डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, और एक का डिफरेंस का आंसर क्या आ चुका है, 2000। तो 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको देखिए ऐसी ट्रिक्स नहीं आती हैं तो आप सीखने की कोशिश करिए, इसको नोट डाउन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी जाकर आपको आएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार खुद से भी ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को जो लोग एक्स मान के करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं इस क्वेश्चन में देखिए जब भी अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं हमेशा ऑप्शन से जाता, क्योंकि मेरा मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो मैं उस स्पीड से जाता। तो वो स्पीड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आता कि आपको दोनों चीज़ गिवन है, ठीक है। इसको मैं बेसिक समझाऊंगा। जब भी अगर मैं बोलूँ आपसे कि ए 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में काम करता है, ठीक है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हो, तो एक तो तरीका होता है कि आप एलसीएम लेके करते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, डायरेक्टली आपके टीचर ने सिखाया भी होगा कि 10 × 15 अपॉन इनका एडिशन 25, तो 25 5 × 10 5 × 10 2 × 4 इसका, और दोनों मिलके 4 दिन में काम करेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है डायरेक्ट करने का। अब उसको मैं यहाँ पर कैसे यूज़ करूँगा, आपको दे रखा है कि दोनों ने मिलके इतने मिनट में काम किया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि ए 3 मिनट ज़्यादा लेता है बी से, ए 3 मिनट ज़्यादा लेता है बी से, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए का टाइम बताइए कि वो 1/3 पार्ट को कितनी देर में भर देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को पीछे से करना स्टार्ट करो, ऑप्शन को उठा के, ठीक है। 1/3 को कितने देर में भर देगा, आपको 1/3 का टाइम दिया जा रहा है ना यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन अगर आप उठाते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखिए पॉइंट में जाने के इतने चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सबसे जो एग्जैक्ट वैल्यू दी के उसको उठाओ, तो पहला ऑप्शन 5 उठाते हैं, तो 1/3 को 5 में भर रहा है, इसका मतलब 1 को भरेगा 15 में, ठीक है। अब अगर ए 15 में भर रहा है, इसका मतलब बी 3 कम में भर रहा होगा, तो 12 में भर रहा होगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर अलग अलग ए बी का दिया हो तो मिलके कैसे निकलता है, तो आप तुरंत क्या करोगे, 15 × 12 अपॉन दोनों का एडिशन, मतलब 27, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, मतलब 20/3, और आपका ऑप्शन देखिए मैच कर गया है 20/3। इस तरीके से जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इसे कहते हैं कि ऑप्शन उठा के फास्ट अप्रोच, ठीक है। आपको सब कुछ सीखना है यहाँ पे, बेसिक आपको पता होगा एक्स मान के करना है, ठीक है, तो उसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, आप ऑप्शन में पीछे जाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस करने से आएगा, आप सीधे एग्जाम में करोगे तो फिर बहुत समय लगेगा, और क्या पता आपका आंसर निकले भी ना, फिर आप मुझको आके कहो कि अरे उसका तो तीसरा ऑप्शन सही था, तो क्या मैं 3 ऑप्शन चेक करता रहूँ 5 मिनट तक। तो आप तीसरे ऑप्शन पर जा सकते हो 1 मिनट के अंदर, लेकिन आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। उस स्पीड को डेवलप करिए प्रैक्टिस कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पर खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ए इज़ 48% मोर देन बी। तो 48% को अगर देखिए हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें, तो 48% हटाएंगे तो 100 आएगा, 4 × 1 = 8 और 25। इसका मतलब है कि अगर ए बी और सी को मैं लिख लूँ, तो बी अगर 25 है तो ये 12 ज़्यादा होगा, क्योंकि बोला ना कि ए इज़ 40% मोर देन, मतलब अगर बी 25 है तो 12 ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन से। सीधे आप ये मत लिखिए 100 × 148, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को देखिए हमेशा ईजी करने के लिए फ्रैक्शन में चेंज करिए, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा भी तो छोटी संख्याओं में रहेगा, बड़ी संख्या में चीज़ें नहीं जाएंगी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि सी इज़ 60% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। तो जो इसका सम है उसे 60% लेस है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के सम का 40% क्या है, सी है, ठीक है। दोनों का सम करोगे तो 62 आएगा, 37, 5, 42, 52, 62, उस 62 का 40%। 60% लेस का मतलब क्या होता है कि 60% 100 में से घटा दो, मतलब 40% जो आएगा 62 का वही सी होगा। तो देखिए 4 × 8, 4 × 24 और 10 का भाग लगा दोगे तो 24.8 जो आने वाला है वो क्या है, वो सी है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको बिंदास सा कि उसके बाद आपको करना है कि क्या बोल रहा है कि ए कितना ज़्यादा है सी से। तो अब तो बच्चों वाला सवाल हो गया, ये बस यही कठिन था इसमें कि ये कैसे निकालना है। तो कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है ये 24.5, अब देखिए आपको घटाना नहीं है, लिख के 24.8 है, इसको 25 पहुंचा दो, 25 से देखो कितना ज़्यादा है, 7, 5, 12, मतलब 12.2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है उसने बोला, सी से कितना ज़्यादा है, तो 24.8, ठीक है, इसको 100 कर लो, ये हटेगा, ये देखिए 2 × 12 6100 / 1, 2, 4, 124 आ जाएगा, ठीक है।
इसको देखिए डिवाइड कर लीजिएगा 12 × 5 = 60, 50% से कमी आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब 49.2 राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको सही से कर लीजिएगा आप लोग, 4 से भी काट कर लीजिएगा तो आंसर 49.2 आएगा, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार खुद से। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है, प्रॉफिट एंड लॉस में टॉपिक वाइज वीडियोज़ में भी करवा चुका हूँ तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो जाके, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए कैसे होता है। आपको पता है कि जैसे ही तीनों की बात करें, CP, MP और SP के, MP किसे बोलते हैं, अंकित मूल्य को, CP अपना क्रय मूल्य और SP क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो CP, MP, SP को इस तरीके से लिख लेते हैं, SP सबसे लास्ट में लिखते हैं, MP बीच में और CP स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मान लूँ तो उससे 100% ऊपर अंकित मूल्य को तय किया जाता है। 100 का 100% 100 होगा, इसका मतलब MP आपका कितना हो गया, 200। 100 से 100% ऊपर मतलब 100 का 100, तो 100 से 100 ज़्यादा मतलब 200 रुपये आपका अंकित मूल्य है। आप इसमें 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट में आप देखिए हमेशा आपसे 5 और 20 बोला गया, तो आप 20 डिस्काउंट पहले दे दो, 5 बाद में दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे मैं बोलूं कि 10, 20, 30 का डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप पहले 30 का दे दो, फिर 20 का दे दो, फिर 10 का दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करके भी आप लोग देख लीजिएगा, वही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले 20 का दे देता हूँ, तो जैसे ही मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो मेरी संख्या क्या आ जाएगी, 40, 160 आ जाएगी। उसके बाद एक डिस्काउंट और 5 का देना पड़ेगा, तो 5 का फिर दे दूंगा, तो कितना, 16, 85, 152 आ जाएगा। आपको पता है कि MP पे डिस्काउंट देने के बाद आपको SP मिलता है, ठीक है। अब आपको पता है कि CP से SP में कितना आपको प्रॉफिट बोल रहा है कि X% का प्रॉफिट है, और कितना दिख रहा है आपको साफ साफ, 52% का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ करना ही नहीं, क्योंकि 100 से 152 हो रहा है, इसका मतलब 52% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ईजी सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दो सिंपल क्वेश्चंस भी लेंगे, और इतना सिंपल भी नहीं है ये। देखिए आपको पता है कि जब भी ट्रिपलेट बनता है, से मान लीजिए 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, तो आपको पता है कि सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, ठीक है, कर्ण की आधी होती है। अगर 5 कर्ण है तो उसके आधा 2.5 हो जाएगा, 2.5 क्या हो जाएगी हमारी, सर्कम रेडियस हो जाएगी। सर्कम रेडियस क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की आधी होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रिपलेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रिपलेट ही दिया होता है आपको, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जिनको शंका हो रही है वो निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको टाइम इतना अगर वेस्ट करना है पेपर में तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप तुरंत क्या करो, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा अगर समकोण त्रिभुज है तो उसकी सबसे बड़ी भुजा उसके कर्ण होती है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 14.5 है, जैसे इसका आप आधा करोगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा 7.25। तो इसकी जो सर्कम रेडियस है कर्ण की आधी होती है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बना रही होगी। आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस की कंडीशन सेटिस्फाई भी करवा सकते हो, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर नहीं करवाऊँगा, बच्चों वाली चीज़ है वो। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा आपकी सर्कम रेडियस होती है, ठीक है, परित्रिज्या बोलते हैं जैसे हिंदी में। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करिए। देखिए पेपर में किस तरीके से एकदम से दिमाग में आपके हिट करता है वो अलग चीज़ है, मेरे दिमाग में क्या हिट किया मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, ABC का रेशियो दिया गया कि उनके पास किस रेशियो में पैसा है, तो उनके पास 9, 6, 11 के अनुपात में पैसा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए ने 500 रुपये सी को दे दिया, इसका मतलब ए के पास कुछ कमी हुई होगी और सी के पास कुछ पैसा बढ़ा होगा, तो रेशियो क्या बन गया, 4:3:6 का रेशियो बन गया, 4:3:6। अब देखिए रेशियो में आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो तो वही रहेगा, तो क्या करता हूँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 का करोगे तो यहाँ 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, ठीक है। इसको भूल जाते हैं क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब आपको दिख रहा है कि इसने रुपए दिया था, इसके मतलब इसके पास एक की देखो कमी हो रही है, इसके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब रेशियो हिट कर गया, मतलब एक तरीके से ये इन्होंने सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको, 6 का 6, जैसे इसने एक 500 रुपये दिया तो उसको देखो यहाँ पर कमी हुई और इसके पास उतने ही अनुपात में बढ़ा, एक के अनुपात में, इसका मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई, 500 रुपये। तो जो इस चीज़ को समझ गया उसका काम हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वॉट इज़ द सम ऑफ शेयर्स BNC इन द बिगनिंग, बिगनिंग मतलब यहाँ पे बात कर रहा है, वो बाद की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उसके पास कितना रुपए, 17, एक की वैल्यू कितनी है, 500, तो B और C के पास स्टार्टिंग में 17 है, तो 17 का मल्टीप्लाई, 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8500, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, अगर आपको इस तरीके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को भी अभी नहीं कर पा रहे हो तो आपको बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने मैंने मैथ्स के वीडियोस पढ़ाए हैं उन सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखिए,
उन ट्रिक्स को नोट करिए, ऐसा नहीं उनको अवॉइड करिए, ठीक है कि मुझे नहीं आता तो मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके ना मार्क्स भी अच्छे नहीं आने वाले, सच्चाई है ये। 25 में 24 से 25 क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब ऐसी ट्रिक्स से क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। तो उनको नोट डाउन करिए पेपर में, सॉरी कॉपी में, और उनको रिवाइज़ करिए बार बार, जिससे आपको आप उन प्रैक्टिस करिए जिससे आप पेपर में उन ट्रिक्स को लगा पाएँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ऐड हो जाइए, आपका जो भी डाउट्स हो वहाँ पर डालिए, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं और एडमिन आपके जवाब दे देंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।